अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए फिर, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रेड वेलवेट पेस्ट्री का डेकोरेशन, जो बहुत आसान तरीके से हमने बनाया है। और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत ही आसान तरीके से इस डेकोरेशन को बनाना आ जाएगा। और अगर आपको केक के बेस की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केक के बेस की रेसिपी की लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप जाकर चेक कर लेना तो आपको केक के बेस की रेसिपी ज़रूर मिल जाएंगी। चलिए फिर, इस डेकोरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। हम रेड वेलवेट केक पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से व्हिप कर लेंगे। और व्हिप करने के बाद में एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा वाइट कलर का व्हिपिंग क्रीम भर कर रख देंगे। वो व्हिपिंग क्रीम हमें इसलिए भरना है ताकि वो हमें डेकोरेशन के लिए काम में आएगा। और फिर बची व्हिपिंग क्रीम में हम रेड फूड कलर मिलाएंगे और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं, हमने व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर सबसे पहले हम टर्न टेबल लेंगे और केक को डीमोल्ड कर देंगे। केक को डीमोल्ड करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि केक का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। देखिएगा, यहाँ पर केक का बेस कितनी अच्छी तरीके से बना है और बहुत ही टेस्टी भी बना है और बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको केक की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, मैं वहाँ पर केक के बेस की रेसिपी ज़रूर दे दूंगी। आप वहाँ से देख लेना और आप भी इस तरीके का बेस बना सकते। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने केक की रेसिपी नहीं देखी है, वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर लेना। देखिए गाइस, यहाँ पर केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। इस तरीके से हम केक का टॉप निकाल लेंगे और फिर हम केक की स्लाइस करेंगे। अब यहाँ पर हमने केक के नीचे जो बटर पेपर लगा हुआ था वो नहीं निकाला था, अब हमने केक के नीचे का बटर पेपर निकाल लिया है। अब इस तरीके की केक के किनारों से हम जो हार्ड हिस्सा जो केक का रहता है ना, वो सारा निकाल लेंगे और फिर एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से हम केक की पतली पतली स्लाइसेस निकाल लेंगे। हमें पेस्ट्री के लिए बहुत पतली पतली स्लाइसेस निकालना है और इस स्लाइस को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इस स्लाइस को निकालना आ जाएगा। गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही है तो माइंड मत करना। और यहाँ पर हम केक की दूसरी स्लाइस भी निकालेंगे। बहुत ही धीरे से और आराम से हमें स्लाइस निकालनी है। और इस तरीके की अगर आपके पास में नाइफ हो तो बहुत ही आसान तरीके से केक की स्लाइस निकल आती है, वरना जो हमारे घर में हम रेगुलर यूज़ करते हैं नाइफ, उससे बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप जब भी केक बनाना शुरू करो तो पहले इस तरीके की एक नाइफ ले लेना, ताकि आप जब भी केक बनाएं तो आपको स्लाइस निकालते वक्त परेशानी ना हो। अब हम सबसे पहले केक की एक स्लाइस लेंगे और उस पर मिल्क को सोक कर लेंगे। मिल्क को सोक करने के बाद में हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे और व्हिपिंग क्रीम को पायलट नाइफ से फैला लेंगे। हमें पायलट नाइफ से व्हिपिंग क्रीम को हर तरफ एक साथ ही फैलाना है और इक्वल साइज़ में फैलाना है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी हम पेस्ट्री बनाएंगे तो पेस्ट्री में हमें क्रीम को इक्वल साइज़ में फैलाना है। इस तरीके से फैलाना है कि हर जगह क्रीम एक सा हो। अब हम केक पर दूसरी स्लाइस रख देंगे। गाइज, यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप केक की स्लाइस निकालते वक्त आपकी केक की स्लाइस थोड़ी टूट जाती है, तो हम अगर हमारे पास में थोड़ा सा केक का चूरा रहता है या फिर कहीं से भी थोड़ा सा केक का पीस निकल आता है, तो हम इस केक को इस टाइम पर इस स्लाइस पर जॉइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम इस स्लाइस पर मिल्क डालेंगे और मिल्क डालने के बाद में हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से पायलट नाइफ से हम फैला लेंगे। अच्छी तरीके से हम पायलट नाइफ से फैलाएंगे। इसी तरीके से हम केक पर तीसरी स्लाइस रखेंगे और फिर से मिल्क सोक करेंगे केक पर और फिर से हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और केक के ऊपर अच्छी तरीके से पायलट नाइफ से क्रीम को फैला लेंगे। गाइज, आपको इस रेड वेलवेट के डेकोरेशन की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना। गाइज, बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूँ। यहाँ से हम पैलेट टाइप से सारे केक को अच्छी तरीके से क्रीम लगा देंगे। अगर हम कॉर्नर पर क्रीम नहीं भी लगाए तो चलेगा, क्योंकि हम सारे कॉर्नर को नाइफ से काट लेंगे, लेकिन अगर क्रीम लगाते भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्रीम हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इक्वल साइज़ में लगाना है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं लगाना है।
अब हम 50 ग्राम वाइट चॉकलेट लेंगे और वाइट चॉकलेट को हमने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। गाइस मैंने आपको माइक्रोवेव में मेल्ट करना भी चॉकलेट बताया है और अब डबल बॉयलर पर भी चॉकलेट को किस तरीके से मेल्ट करते हैं मैंने आपको बताया है। अगर आपने मेरे चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी नहीं दी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चॉकलेट किस तरीके से मेल्ट करते हैं ज़रूर जाकर देख लेना। मेल्ट की हुई चॉकलेट में हम कलर मिलाएंगे, हमें कलर जो पसंद है हम वो वाला कलर मिला सकते। हमने काला खट्टा कलर मिलाया है तो ये कलर चॉकलेटी जैसा लग रहा है। और फिर हम इस चॉकलेट को पैकिंग बैग में भरेंगे और इस तरीके से लाइनें बना लेंगे। आप इस तरीके से लाइनें भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है आप उस तरीके से चॉकलेट से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इस तरीके की एकदम सिंपल डिज़ाइन ली और फिर मैंने एक टूथ पिक्स लिया और टूथ पिक्स से उस चॉकलेट पर उसी तरीके से लाइनें बना ली है तो इस तरीके से डिज़ाइन बन गई है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से हम केक के किनारे निकाल लेंगे। हमें केक के किनारे इसलिए निकालना है कि हम पेस्ट्री बना रहे हैं, पेस्ट्री में हमें लेयर्स अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए, इसलिए हम केक के कॉर्नर निकाल लेंगे। और फिर हमें पेस्ट्री के जो भी शेप देना है हम वो शेप दे सकते, लेकिन ये पेस्ट्री हमारे यहाँ के ऑर्डर की थी इसलिए हमने जो रेडीमेड पेस्ट्री का शेप आता है उसी शेप की हमने ये पेस्ट्री बनाई है। और अगर आपको पेस्ट्री में शेप देना थोड़ी परेशानी होती है तो आप पहले पेस्ट्री पर निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद में नाइफ़ से उसी शेप की पेस्ट्री काट लें। अब यहाँ पर हमने जो पाइपिंग बैग में वाइट कलर की क्रीम भर कर रखी थी अब हम वो वाली क्रीम से यहाँ पर फ्लावर्स बनाएंगे। पाइपिंग बैग में हमने स्टार नोज़ल लगाया है और इस तरीके से हम फ्लावर बना लेंगे। आपके मनचाहे हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं पाइपिंग बैग के नोज़ल बदल के। हमने ये इस तरीके से फ्लावर बनाया है और जो हमने चॉकलेट गार्निशिंग बनाई थी वो चॉकलेट गार्निशिंग हमारे पास थी इसलिए हमने वही चॉकलेट गार्निशिंग आज पेस्ट्री में यूज़ की है। अगर आपने इस चॉकलेट गार्निशिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना, मैं वहाँ पर चॉकलेट गार्निशिंग के वीडियो की लिंक दे दूँगी। गाइज नमाज कायम कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।